ये देखो टाइगर के डर की वजह से बाहर आ गए। जल्दी चलो ओए टाइगर आने वाला भाई, जल्दी कर लो। टाइगर के बिल्कुल फ्रेश पग मार्क्स मिले, मोस्ट टू मोस्ट 10 से 15 मिनट पुराने होंगे और बिल्कुल यहीं पे चला हुआ। अभी हमें 4 टाइगर की साइटिंग हुई। 4 दूसरी खबर जो आई है कि एक मेल टाइगर थोड़ा यहाँ से आगे करीब 2 किलोमीटर वो एक रोड क्रॉस करके दूसरी रोड के बीच में। इस वाइल्ड एलिफेंट देखिए जिन्ना कैंपस के जस्ट थोड़ा सा पीछे 2 हैं, बहुत शानदार। ये रहे देखो बिल्कुल पास में, फीमेल हैं दोनों। व्हील ना लगने की वजह से गाड़ी खाई में गिरते गिरते बची। और ये देखिए क्या खतरनाक सीन हो रहा है। So guys, we are going on our first safari. And with one and only Sanjay Bhaiya, unko bhi hi hello kar do sab aur Dhruv. Jim Corbett National Park. Mere liye Jim Corbett hamesha se hi dikala raha. 13-14 सालों से लगातार ढिकाला आ रहा हूँ, पर पिछले 2 साल में मैंने झिरना और ढेला की ना जाने कितनी सफारियां करी, पर कभी भी टाइगर नहीं दिखा। आज है 1 जनवरी 2024 और मैं अपना लक आजमाने जा रहा हूँ झिरना की सफारी पे। आधा घंटा लेट हो चुके हैं पर चलो कोई नहीं, जो होता अच्छा होता है। तो अभी यहाँ से सफारी शुरू होगी हमारी और ये आप देख सकते हो ढेला गेट पे खड़े हैं। आज की जो हमारी सफारी है वो झिरना जोन में है। स्पेशली हमारी सफारी शुरू हो गई है, जय माता की। साल का पहला दिन है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है, जो पिछले साल हो गया वो हो गया, इट्स अ न्यू बिगनिंग, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, हमारा तो अच्छा ही था। नहीं मतलब इधर झिरना ढेला का जो हो चुका वो हो चुका। वेलकम एवरीबॉडी, फर्स्ट सफारी ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द 2024 ईयर। और गुड न्यूज ये है कि आज मॉर्निंग सफारी में ढेला जोन में कुछ गाड़ियों को टाइगर दिखा और बहुत अच्छी साइटिंग हुई है। हालांकि हमारा जोन जो है झिरना है, लेकिन जाना हमें तो ढेला जोन ही है। एंड वी होप कि अच्छी साइटिंग रहे, अच्छी सफारी रहे। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि ये वही रोड है जहां सबसे ज्यादा टाइगर की साइटिंग होती है तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, बट ये रोड ढेला में से होके गुजरता है जिसपे की टाइगर अक्सर रोड क्रॉस करते हुए दिखते हैं। हमारे अगले ब्लॉग में टाइगर हमें इसी रोड को क्रॉस करते हुए दिखा था। तो सारा साल वाला बैच खत्म करके ग्रासलैंड में आए हैं ढेला वाले में, तो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। बहुत ज्यादा ठंड है, हद से ज्यादा ठंड है। यह जो रिवर सामने आप देख रहे हैं ये एक बरसाती रिवर है और यहाँ पे ढेला जोन समाप्त हो जाता है। अब हम इस रिवर के पैच को क्रॉस करेंगे और फिर पहुंचेंगे झिरना जोन में। अक्सर टाइगर के फुट मार्क्स यहाँ पे नजर आते हैं और जैसे ही हम यहाँ आए तो हमें टाइगर्स के पग मार्क दिखे। झिरना और ढेला जोन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सदर्न बाउंड्रीज पे पड़ते हैं। सबसे नया जोन इस एरिया में ढेला है। अब इसको लालढांग है ना, गांव था पहले जो ये लालढांग था, जिसको यहां से शिफ्ट करके रिलोकेट करके ढेला जोन बना दिया गया। तो ये लालढांग सोत हुआ, यहाँ स्थानीय भाषा में जो वन विभाग की डिक्शनरी है उसमें सोत कहा जाता है इन्हें। सोत मतलब सोत, और वैसे स्थानीय भाषा में ना गदेरे कहते हैं, जो पत्थर वाली नदियाँ होती हैं। ये बरसाती हुई थी, बरसात में रहेगा पानी, बाकी कम हो जाएगा। और यहाँ पे ढेला जोन जो है वो खत्म हो जाता है। एंड करेंटली वी आर गोइंग ऑन द चेक पोस्ट ऑफ झिरना, तो यहाँ आगे से झिरना जोन शुरू होगा, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से झिरना जोन स्टार्ट होता है ऑफिशियली, और पीछे था ढेला जोन। तो एक रिवर है वो दोनों जोन को डिवाइड करती है, ठीक है। उस तरफ सारा ढेला है और इस तरफ झिरना है। तो फटाफट यहाँ पे कुछ पेपर वर्क होगा एंड देन वी स्टार्ट अ जर्नी। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी झिरना जोन की सफारी। यह जो एरिया है यहाँ पे आजकल एक मेल टाइगर की बहुत ही ज्यादा मूवमेंट है, जो कि कई बार इस चौकी के पास आ जाता है। भालू की वो बेसिकली झिरना जोन या फिर ढेला जोन में होती है। उसकी वजह क्या है, हैबिटेट बहुत अच्छा है उसके लिए। वो ओमनिवोरस है, दीमक वगैरह भी खाता है, शहद के अलावा फिर मीट भी खा लेता है। वैसे तो कंद होता है ना जमीन के अंदर, में निगरानी के लिए हर 4-5 किलोमीटर पर ऐसी चौकियां आपको मिल जाएंगी। हाँ। जिसमें कि 1-2 फॉरेस्ट गार्ड और कम से कम 4 से 6 बीट वॉचर्स रहते हैं, जिनका काम रेगुलर जो है फुट पेट्रोलिंग करना है और करीब 12 से 15 किलोमीटर की डेली गश्त वो करते हैं। हाँ। और हालांकि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की होती है यहाँ, जगह जगह करीब 24-25 टावर लगे हुए हैं और टावर में जो है सेटेलाइट लिंक कैमराज और जो टाइगर सेल है वहाँ से उनकी निगरानी होती है। अगर कहीं भी कोई ऐसा डाउट होता है उसको जो है बताते हैं कि भी आपके पास कुछ ऐसे विशेष एक्टिविटी है, उसको जाके चेक करो।
एंटी पोचिंग के काम आती है, कोई जानवर घायल ना हो, कोई टूरिस्ट कोई रूल ना ब्रेक करे, ये सारे उनके काम होते हैं। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, अगर आप सीधा इस रास्ते से जाएंगे तो ये आपको पहुंचा देगा झिरना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। और पिछले कुछ सालों में मतलब पहले जो है 25, 30, 40 दिखते थे, लेकिन लास्ट ईयर हमने करीब 200, 250 देखे, और अभी भी आप देखें अगर आसमान में कम से कम 50, 60 से ऊपर जो वल्चर्स हैं वो तो ये क्या है थर्मल यूज़ करते हैं, ये हैवी बॉडी होती है तो फ्लाई करने में ज़रा ईजी नहीं रहता, जैसे हवा गर्म होगी आप देखें फ्लैप नहीं कर रहे हैं, एक बार ऊपर जाने के बाद गर्म हवा है उसके यूज़। सबकी नजर इधर उधर है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में देख रहा है, वॉच टावर पे बैठ के समझ लीजिए निगरानी कर रहे हैं। अभी इतनी शानदार लंगूर्स की साइटिंग हुई है, सारे बैठे हुए एज यू कैन सी इस पेड़ के ऊपर, और इस समय ये ना सारे जो है देखभाल कर रहे हैं कि कहीं से अगर कोई खतरा होगा ऊंचाई से तो बताएंगे, ठीक है। सो गाइस ये है वल्चर पॉइंट। सो गाइस करंटली वी आर स्टैंडिंग ऑन वल्चर पॉइंट इन झिरना, और ये पीछे जो पूरा सा वाइट वाइट सा पहाड़ है ये वल्चर पॉइंट है, यहाँ पे वल्चर्स आके बैठते हैं। अभी भी हम देख सकते हैं कि नियर अबाउट 30 बैठे हुए और 40-50 ऊपर उड़ रहे हैं, यहाँ पे आके वो धूप में ऐसे बैठ जाते हैं, पूरा ये उधर एंड तक जाती है, तो दिस इज अ वल्चर पॉइंट। बहुत सुंदर पक्षी है ये, एक तीसरा भी उड़ेगा देखो, चौथा भी उड़ेगा, हाँ एक और है भी, वो भी उड़ेगा। अब हाई बैंक पे जाएंगे थोड़ा आगे, हाँ हालांकि आजकल हाई बैंक पे ज़्यादा एक्शन नहीं है, वो गर्मियों के लिए हॉटस्पॉट होता है। हमारा जो पानी है गर्मियों में जब सूख जाता है तो दो जगह है जहाँ पर पानी का थोड़ा बहुत पडल बने रहता है, और हॉटस्पॉट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्शन वहीं पर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं को पड़ती है। ऐसी जगह जहाँ से आप बहुत दूर से जानवर को बिना डिस्टर्ब किए हुए देख सकते हैं, ऐसे बहुत से हाई बैंक हैं कॉर्बेट में। सो गाइस करंटली वी आर स्टैंडिंग एट 4 नंबर टाइग्रेस के एरिया में, 4 नंबर इसलिए बिकॉज उसके मुँह पे 4 का ऐसे मार्क बनता है, ठीक है, तो इसलिए इसे 4 नंबर का एरिया कहते हैं। और यहाँ जस्ट पीछे एक वाटर होल है, और ये देखो भालू के, भालू पानी पी के गया है, और ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब दोपहर के आसपास का है। सो गाइस सारा जो गेम हुआ है ना वो इसी पैच में हुआ है, यहीं से गाड़ी टर्न हो के वापस गई है, और जैसे कि संजय भैया बता रहे हैं साथ साथ में एक नाला चल रहा है, तो हो सकता है कि जो टाइगर है वो उस नाले से इस तरफ आया हो, देख वो खड़े हैं सब, शायद साइटिंग वाइटिंग हुई है क्योंकि पिक्चर्स ले रहे हैं, देखो तो बता रहे हैं। 4-5 गाड़ियों को दिख चुका है, सो गाइस फर्स्ट टाइम हो रहा है झिरना में कि ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है। एट लास्ट ना बहुत अच्छे से टाइगर के बिल्कुल फ्रेश पगवाक्स मिले, मोस्ट टू मोस्ट 10 से 15 मिनट पुराने होंगे, और बिल्कुल यहीं पे चला हुआ है, कट पुलिया का पार्ट है, और यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट है। अभी कौन से वाले को ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं, मेल को रोड में फंसा हुआ ना, कि वो रोड से निकल के दूसरी रोड के बीच में मेल है बता रहे, तो दूसरी खबर जो आई है कि एक मेल टाइगर थोड़ा यहाँ से आगे करीब 2 किलोमीटर दूर वो एक रोड क्रॉस करके दूसरी रोड के बीच में, तो अगर इसका मूवमेंट नहीं मिलेगा तो फिर उसको ट्रैक करें। तो कहने की और समझने की बात यह है कि 2 टाइगर्स की मूवमेंट फिलहाल चल रही है, और 2 में से एक ना एक कोशिश करेंगे कि ज़रूर आप सब लोगों को दिखाएं। ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और अभी हमें 4 टाइगर की साइटिंग हुई, 4 तो गाइस यूपी वालों के साथ मजाक किया, पर उन्होंने हमारे साथ भी मजाक किया, हमें 4 दिखे थे, उनको 5 दिखे, पहले पे देला स्पॉटेड डियर, पूरी बात उन्होंने सुनी नहीं, हमें 4 स्पॉटेड डियर दिखे थे एक साथ, उनको 5 दिखे। इस वाइल्ड एलिफेंट दिखे झिरना कैंपस के जस्ट थोड़ा सा पीछे, 2 हैं, बहुत शानदार, ये रहे देखो बिल्कुल पास में, फीमेल हैं दोनों, ये देखो झिरना का ऐसा रहता है, बस उससे थोड़ा राइट की तरफ आए हैं।
तरफ है शॉट तो लेने लायक। इसकी वजह से बाहर आ रहे हैं। सो गाइस ये देखो टाइगर के डर की वजह से बाहर आ गए। ये देखो कितने क्लासी लग रहे हैं। जल्दी चलो जल्दी चलो, वो टाइगर आने वाला है भाई, जल्दी कर लो। अभी मैंने आपको क्लिप दिखाई किस तरीके से सारे स्पॉटेड डियर भाग के जा रहे थे, एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अदर साइड। सामने टूरिस्ट के साथ हुआ मजाक, फोर व्हील ना लगने की वजह से गाड़ी खाई में गिरते गिरते बची। और ये देखिए क्या खतरनाक सीन हो रहा है यहाँ पे। देखो लोग बाग नीचे उतर गए यार, टूरिस्ट थोड़ी उतर सकता है, वो कैसे लड़की उतर रही है, दैट इज नॉट गुड। उस बात को लेके मैं जाऊंगा ऊपर तक। सो गाइस ये है झिंडा की फेमस द कटपोलिया चौकी, और इसके पीछे पूरा यूपी शुरू हो जाता है, और चांसेस है कि इसी रोड पे जो साइटिंग होगी होगी। सब खड़े हैं तो हम भी अब यहीं पे खड़े हो जाते हैं। क्या पता ऐसे क्रॉस मार के नाले में चला गया, लगातार हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि लंगूर यहाँ पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने फ्रेंड्स के लिए नीचे गिर रहे हैं। फ्रेंड्स बोलें तो स्पॉटेड डियर, यह एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है जो कि आपको जंगल में देखने को मिलती है। इसके साथ हमारी झेंडा की सफारी हो गई है ओवर, और वाइल्ड एलिफेंट्स दिखे, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा, मतलब टाइगर नहीं दिखा, डियर वियर तो जो दिखने थे वो दिखे। और ये पीछे गेट है एज यू कैन सी, इससे हम बाहर आ गए, और ये सामने टाइगर है, ठीक है। तो अब फटाफट यहाँ से अपना सामान निकालते हैं और फिर चलते हैं। डंडा के सामने रुके थे चाय पीने के लिए, बहुत ठंड लग रही थी, रीज़न आपको पता ही, अगर आपने पहले वाले ब्लॉग देखे हैं तो जूते गीले हो गए थे, क्रॉक्स में आना पड़ा था, तो यहाँ हाथ वाथ सेका। अब यहाँ से चल रहे हैं आगे, कारी करके आ गया था पूरा। ये देखो जूते सूख रहे हैं जो सुबह गीले हो गए थे, नहा धो लिया हूँ, दवाई खा ली हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं खाना खाने के लिए, टाइम 9:15 हो गया। कुछ इस तरीके का यहाँ पे सारा माहौल है। बाकी ये जगह ना खतरनाक है, मतलब ढिकाला के बाद अगर कोई जगह है जो प्रॉपर फील देती है तो वो यही जगह है। पूरा का पूरा देखो शांत है, सब कुछ शांति है यहाँ पे, ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात, बिल्कुल शांत। तो लाइट जला लेते हैं क्योंकि भाई दूर तक जाना है, और भाई खतरनाक जगह है सच बताओ ना तो। ये जब आपको पता हो कि एक दो दिन पहले ही टाइगर की यहाँ मोमेंट थी तो अच्छे, ठीक है मेरी भी झूठ क्यों बोलना। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, ये रेस्टोरेंट एरिया है, तो यहाँ पे पहुँच गया। चक्कर पता है क्या, फेंसिंग नहीं करी हुई है इन्होंने, अगर फेंसिंग वेंसिंग हो तो कोई टेंशन की बात नहीं। और अमित क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है तेरा ब्लॉगिंग? तो अभी चलते हैं खाना खाते हैं यहाँ पे। खाने में मैंने मंगाई थी दाल और प्याज और अचार, खा लिया, उसके बाद याद आया मतलब सेकंड लॉट का आने वाला है। इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि मैंने खाना खाना शुरू कर दिया, अब मुझे याद है कि मुझे तो ब्लॉग बनाना था। तो अब मैंने थोड़ा सा प्लेट साफ सूफ किया है, अब रोटी आएगी तो फिर खाना खाना शुरू करेंगे, ठीक है। कैसे हो? तो अब खाना आ गया, तो आप भी देख लो, ये रोटी दाल और प्याज, ठीक है। अब खाना खाता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोगों से। डिनर कर लिया, फूड इज़ गुड, मतलब ठीक था, जो कल कबीला में खाया ना उससे तो फार बेटर। अब चलते हैं और सोते हैं, ठीक है। बाकी आगे का क्या प्लान बनेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर कुछ भी ऐड ऑन होता हुआ तो। बाकी अब कल सुबह सफारी पे जाना है तो सुबह मिलता हूँ। तो अगर किसी भी रीज़न से, वैसे तो रीज़न मैंने बहुत सारे दे दिए, बट अगर किसी भी रीज़न से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। देखो कितनी खतरनाक जगह है, कोई फेंसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही खतरनाक जगह है। डिकाला के बाद अगर कोई कैंपस खतरनाक है तो वो ये। सुबह मैंने दिखाया यहाँ टाइगर के पैरों के निशान थे, और कोई फेंसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, टाइगर कभी भी कहीं से भी आ सकता है, डर भी लगता है यहाँ पे। एटलीस्ट यहाँ गेट ही लगा देते, वो भी नहीं है।
खतरनाक जगह है, डरावनी जगह। तो चलो गेट खोलते हैं और सोते हैं आराम से। बाय, गुड नाइट।